कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता पठारे और हाजिर हूं आज की न्यूज इन माय प्लेट के साथ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरें। दूसरे चरण का मतदान है आज। हेमा मालिनी, राज बब्बर समेत कई जानी मानी हस्तियां, उनकी किस्मत होगी आज ईवीएम में कैद। जी हाँ, इस बार के जो चरण है इसमें एक केंद्र शासित और 11 राज्यों की लोकसभा की 95 सीटों पर 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे आज। आप भी अगर वोट डाल रहे हैं तो जल्दी जाइए, वोट डालना सबका अधिकार है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चाय के साथ हमारी अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरान खान का बयान भारत में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास था, लेकिन भारतीय मतदाता में ऐसी रिवर्स स्विंग पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाना जानते हैं। जी हाँ, भारतीय मतदाता जो है वो बेहतर जानते हैं रिवर्स शॉट के बारे में। मोदी जी को तो आप जानते ही हैं, लेकिन रिवर्स स्विंग और हेलीकॉप्टर शॉट आज हम दिखाते हैं। देखिए कैसे लगता है रिवर्स स्विंग और हेलीकॉप्टर शॉट। ये है रिवर्स स्विंग जो लगा रहे हैं इमरान खान। ये देखिए, ये आए मैदान में इमरान खान और अब इन्होंने लगाया है, ये है रिवर्स स्विंग, दिस कॉल्ड रिवर्स स्विंग। और हम बताते हैं अब आपको हेलीकॉप्टर शॉट। ये है हेलीकॉप्टर शॉट। ये देखिए, अभी यहां से बॉल उड़ेगी बिल्कुल। ये है हेलीकॉप्टर शॉट। तो पीएम मोदी अपने भाषणों में दूसरे नेताओं पर, दूसरे मुल्क के नेताओं तक पहुंच गए, लेकिन साथ ही साथ वे हमें नॉलेज भी दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान का भी, उनके जो ज्ञान है वो भी बहुत ही लाजवाब है, जो हमारे लिए भी कुछ यूजफुल हो रहा है, हम भी कुछ नया सीखें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। अगली खबर है हमारी, बीजेपी में शामिल होते ही साध्वी प्रज्ञा को मिला टिकट। जी हाँ, भोपाल से दिग्विजय सिंह को देगी टक्कर, जय हो। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, सिर्फ 2 रुपए में पता चलेगा आपने किसे वोट दिया। सही में यकीन मानिए सच है, लेकिन इस चूक पर आपको हो सकती है 6 महीने की जेल। जी हाँ, वीवीपैट के चैलेंज में अगर आप फेल हुए तो हो जाएगी जेल। वाह, शर्त भी बहुत बढ़िया है। अगली खबर है, पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों में फंसे हैं। बिहार से भड़काऊ बयान देकर फंस गए हैं गुरु इस बार। उर्मिला मातोंडकर का पीएम मोदी पर बड़ा बयान, कहा पीएम रोते हैं। उर्मिला जी, आप जल्दी रोने वाली है, बस चुनाव के परिणामों का इंतजार कीजिए, अब फिर देखते हैं कौन रोता है और कौन हंसता है। ऐसे बयान अभी बड़े बड़े नेताओं को ही देने दीजिए आप। अगली खबर है हमारी, जेट एयरवेज की उड़ानें हुई बंद, बैंकों ने फंडिंग करने से किया इनकार। बैंक विजय माल्या के बाद रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए अब जेट एयरवेज को भी सहायता करने से इनकार कर दिया गया है। अगली खबर है हमारी, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की परेशानी बढ़ गई है। लंदन के बैंक खाते से भी नहीं निकाल सकेंगे वे पैसा। अब वो यहाँ से तो पैसा निकाल नहीं सकते थे, यहाँ से तो पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन उनकी जो लंदन में उन्होंने जिस बैंक में पैसा जमा कर रखा है, वहाँ से भी अब पैसे नहीं निकाल पाएंगे वे बेचारे माल्या। बहुत ही बुरी
उनकी हालत हो चुकी है और होने वाली है आगे। और अगली खबर है हमारी, अमिताभ बच्चन के ब्लॉग ने पूरे किए 11 वर्ष। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ उनके वाक्य प्रतिदिन शेयर करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। सलाम है आपको जो कुछ समय प्रतिदिन निकाल लेते हैं सोशल मीडिया के लिए भी, और इतने मतलब अच्छे होते हैं उनके कंटेंट भी, उनके जो संदेश भी पढ़ना चाहिए। अगली खबर है हमारी, आज आईपीएल में दिल्ली और मुंबई के बीच दिल्ली के फिरोज शाह मैदान में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। तो टीवी का रिमोट थाम कर बैठिए, पकड़ के बैठिए और देखिए आईपीएल। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ इन माय प्लेट की 10 खबरें। मिलते हैं कल न्यूज़ इन माय प्लेट में। आज 12 बजे देखना ना भूलिए प्रकृति के रहस्यों से भरा वीडियो, और आज रात देखेंगे कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसी न्यूज़ जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और जो आपके लिए जाननी ज़रूरी भी होगी। तब तक के लिए बाय।